पूर्व पक्ष कहता है कि आपके ब्रह्मसूत्र में भी सगुण ब्रह्म वाक्यों को तात्विक रूप में स्वीकार किया और यहाँ वाक्यों का तात्विक होने से दुर्बल है, निर्गुण वाक्य प्रबल है, ये कहाँ से आ गया? सूत्रों को याद दिला रहा है। यत्तु अत्रापि विकार शब्दान नेति चिन्न प्राचुर्यात उपदेशपदत नेति चिन्नोभ्यस्मिन्नप्य विरोधात गौण्य संभवाद इत्यादि शास्त्र और विरोध है तात्विक अर्थांतर परता उक्ता न तो आरोपिता अर्थता, क्योंकि इन सूत्रों में विकार शब्दात नेति चिन्न प्राचुर्यात ये ब्रह्मसूत्र है एक एक तेरा उपदेश भेदात नेति चिन्नोभ्यस्मिन्नप्य विरोधात एक एक सत्ताईस गौण्य संभवाद ब्रह्मसूत्र दो तीन तीन इत्यादि और भी अनेकों सूत्र है इत्यादि स्थलों में हाँ गलत है सत्ताईस करना इत्यादि स्थलों पर दो शास्त्रों का विरोध होने पर तात्विक कर्तांत परता आपने माना है स्वीकार किया है तात्विक अर्थांतर परता आपने स्वीकार किया है न कि अध्यस्तार्थ परक है कल्पितार्थ परक आपने नहीं माना अन्यथा इक्षत्यत्यधिकरण ऐसो सिद्धांत साधका नाम इक्षणादी नाम सांख्यात्यपिमत प्रधान आदव आरोप संभवेन प्रधान निराकरणादि च न सिद्धेत इति तन्न यत्तोक्तम तन्न। क्योंकि यदि बात नहीं मानेंगे तो सगुण प्रापक शास्त्रों को आपने यदि अन्यथा तत्वांतर बोधक नहीं मानते हो आरोपित वही सब जगह आप बोल रहे हो फिर तो इन सूत्रों को बनाने की जरूरत नहीं है। इक्षित्र ना शब्द मिथ्या जो सूत्र आपने एक एक पांच से बनाया प्रधान आदि को कारणवाद खंडन करने अध्यारोपित तत्वादि में सब खत्म हो जाएंगे। कहता अन्यथा इक्षत्याद्यधिकरणेश सिद्धांत साधक नाम इक्षणादि नाम सिद्धांत के साधक इक्षणादियों को सांख्यादि विमत प्रधान आदो आरोप संभव है ना जड़ में आरोप लगा लो चेतन में ही हो सकता है जड़ में नहीं हो सकता ऐसे कहकर आप खंडन करने के प्रयास क्यों कर रहे हैं वहाँ भी आरोप हो जाए। जैसे चेतन में अत्यारोप है तो जड़ में भी इक्षणादि का आरोप कर लो इसे आरोपित तत्वादेव सबका खंडन हो ही जाएगा प्रधान निराकरण आदि जो आपने किया है वो न सिद्धेत वो सिद्ध नहीं हो पाए अन्यथा न सिद्धेत इसलिए उनको तात्विक मानो आरोपित मान मानो ऐसे कहता है जितना सिद्धांत के दश मत कहो विकार शब्दादित्यादो न विरोधन तात्विकार्थांतर प्रथम अर्थ विकार शब्दादित्यादि स्थलों में दो श्रुतियों का विरोध होने से तात्विक अर्थांत परता हमने कहा ही नहीं है। किंतु स्वप्रधाने ब्रह्मणि अवयवत्व असंभवेन पुच्छ पदम उपचरितम इत्यर्थ यह हमारे वहाँ कहा है उसमें वाक्य है लिया गया विकार शब्दार्थ सूत्र में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस पर विचार है तैत्रिश उपनिषद दो पांच का। यहाँ हमने ये कहा कि भाई देखो पुच्छ पद के जो वाच्यार्थ है पुच्छ पद का वाच्यार्थ है अवय विशेष है वो पुच्छ ये अर्थ ब्रह्म में घट नहीं सकता प्रकरण का प्रधान भूता है वस्तु ब्रह्म उसमें अवयवत्व संभव नहीं है अतएव हमारे वहाँ इतना ही निर्णय था कि जो पुच्छ पद है वो गौणार्थक माना जाए वहाँ कहाँ श्रुत्यों का विरोध होने से कहाँ किसी को तत्वांतर मान लिया हमने माना ही नहीं है वो तो बोले गौण कह दिया उल्टा तदुक्तम टीका में पुच्छ अधिकरण ही थी जैसे वहाँ की टीका में कहा भी पुच्छे अधिकरणे इसलिए आपने उसका अर्थ अधिकरण रूपा ब्रह्म मान ले जाते हैं अवयवर्त नहीं घट सकता गौण कर दिया उसको गौण्य संभवाद यदि पूर्व पक्ष सूत्र भी आत्म आकाश संबंधित श्रुति स्तु गौणी इसी प्रकार गौण्य संभवाद इस पूर्व पक्ष सूत्र में भी आत्म आकाश संभूता तैतृ प्रतिशत गए दो एक इस श्रुति को गौणी कहा है हमने उसमें भी हमारा ये कहना था आत्म आकाश संभूत इत्यादि उत्पत्ति श्रुतियां जो है वो भी गौण कहा तत्वांतर बोधक नहीं कहा है हमने क्यों गौण है क्योंकि आकाश नित्य है
अतः उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं हो सकता। पूर्वपक्षिकण पूर्वपक्ष सूत्र है ना, वो उनके मत के अनुसार बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ये पूर्वपक्ष सूत्र है, गौण्य संभवात ये है पूर्वपक्ष सूत्र, वहाँ पर उनके मत है, पूर्वपक्ष के मत में आकाश नित्य है, उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है, उसका कोई कारण नहीं हो सकता। इसे यहाँ भी तात्विक अर्थांतर पड़ता हमने नहीं कहा, किंतु वहाँ पर हमने इसलिए गौण मान लो उत्पत्ति को, आकाश उत्पत्ति को गौण कह सकते हैं, ऐसे पूर्व पक्ष ने खुद कहा आकाश की वास्तविक उत्पत्ति नहीं हो सकती। पूर्व पक्ष सूत्र था उसे हम खंडन करेंगे, वास्तविक उत्पत्ति सिद्ध करेंगे आगे सिद्धांत सूत्र में, अलग बात है। लेकिन वहाँ भी हम तत्वांतर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, न पूर्व पक्ष स्वीकार कर रहा है, ये भी नित्य है, अति उत्पत्ति नहीं हो सकती तेरे कहने मासे, तुम तत्वांतर कह रहे हो, ब्रह्म से बिना आकाश नित्य वस्तु, वो तो पूर्व पक्ष के दृष्टि से है, सिद्धांत पक्ष तो है ना। और अगला आता है उपदेश वेदांत इत्यादो दिवि दिवा इति सप्तमी पंचमी भ्याम आधारत्व अवधित्व प्रतितेर उपदेश वेदेन पूर्ण निर्दिष्ट ब्रह्मण प्रतिविज्ञानमस्ती प्राप्ते एकस्मिन् अपिश्येन वृक्षाग्रेशेन वृक्षाग्राच्येन इति निर्देश दर्शनात् एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि उभयरूप अविरोध इत्यर्थः न तो तात्विकर्तांतरपरत्वम्। और उसमें भी उपदेश भेदात, उपदेश भेद क्या है, यद अतः दिवह कह दिया एक जगह पर छांदोग्य परिषद में ही, और उसी छांदोग्य परिषद में दूसरे को दिवि बोल दिया, त्रिपादश्याम रतन दिवि सप्तमी है, तीन बार छः में और तीन सत्रह में दिवा परो ज्योति ही ये कह दिया, दिवा पर पंचमी प्रयोग कर दिया, सप्तमी पंचमी दोनों एक ही के लिए प्रयोग हो रहा है, दिव शब्द वाच्यवा लोक विशेष को लेकर के वहाँ उन दोनों से दो उससे परे पंचमी लेंगे तो या सप्तमी लेंगे तो उसमें पर रूपेण रहना दिवि यत्पर द्युलोक में ही सर्वोत्तम सर्वोपरि ऐसा अर्थ हो जाएगा। तेन आपने कहा कि नहीं नहीं सिद्धांत जवाब दे रहा है, वहाँ हमारे वहाँ ये कहना नहीं था, इसका दो ब्रह्म अलग अलग है, ये दिवि ब्रह्म अलग है, दिवा पर ब्रह्म अलग है, ऐसा हमने वहाँ स्वीकार नहीं किया, बल्कि वहाँ दृष्टांत दिया एक ही का अनेक प्रकार से उपदेश होता है। इसे लोक में दृष्टांत हमने वृक्षाग्रेशेन शब्द में निर्देश हुआ, वृक्ष के अग्रभाग में शेन बैठा है, या वृक्षाग्राच्छेन ऐसा भी प्रयोग होता है पंचमी शब्द दोनों, क्या वृक्ष के स्वरूप में अंतर पड़ा, अंतर तो कुछ नहीं पड़ रहा, आप वृक्षाग्रात पंचमी कह करके वृक्ष अग्र से शेन उड़ रहा है या वृक्षाग्र भाग में शेन बैठा है ऐसा बोलने में सप्तमी या पंचमी जैसा प्रयोग करके शेन की क्या वर्णन हम कर रहे हो, लेकिन वृक्ष के स्वरूप में क्या अंतर पड़ा, अतः ब्रह्म के स्वरूप में भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, हमने ये कहना है। प्रतीत्यर उपदेश भेदेना सप्तमी पंचमी भ्याम आधारत्वधित्वयो दिवा और दिवी में ना प्रतीत उपदेश भेद से पूर्ण दृष्ट ब्रह्मण प्रतिविज्ञानमस्ति, पूर्ण निर्दिष्ट ब्रह्म कई वहाँ प्रतिविज्ञा है इति प्राप्त है, ये प्राप्त हुआ पूर्व पक्ष, इसे दो ब्रह्म हो गया, दिवि पर अलग है और दिवा पर अलग है, दो ब्रह्म का प्रतिविज्ञा हो रहा है। तब कहते उभय रूप, तब हम क्या करेंगे सिद्धांत, उभय रूप अविरोध किसे कैसे दृष्टांत दिया, एकस्मिन्न पिश्येने वृक्षाग्रेशेन वृक्षाग्राच्छेन इति निर्देश दर्शनात् एकस्मिन्नेव ब्रह्मणि उभयरूप अविरोध इत्यर्थ, उभयरूप अविरोध होता है, यह हमारा सिद्धांत वहाँ पर है। वहाँ भी हमने कहीं भी तात्विक अर्थांतर परत्वम न तो स्वीकृतम, भया हमने कहीं स्वीकार नहीं किया। अब रही बात, उसने कहा जैसे चैतन्य में आरोपित ईक्षण सिद्ध करने के लिए तुमने जड़ में ईक्षण नहीं हो सकता खंडन करने के लिए सूत्रों को बनाया ईक्षण आदि, अब वहाँ कनिष्क के तत्वांतर आपको मानना पड़ा ईश्वर, ये उनका कहना था ईश्वर को तत्वांतर मानने के लिए आपने ये सब करा है, कहते ऐसा नहीं है, हमारे वह कहने का अभिप्राय क्या है वो सुनो, न च आरोपितम ईक्षणम प्रधान संभवती, सबसे पहली बात आरोपित ईक्षण भी प्रधान में संभव नहीं है, यथा वास्तविक ईक्षण जड़ में नहीं है
आरोपित क्षण भी जड़ में नहीं हो सकता, कहीं ऐसे देखने को मिलता नहीं बाहर। जड़ आरोपित क्षण को लेकर कोई कार्य कर रहा हो कहां दिखता है? योग्यताम आदायै व आरोप दर्शनात्, आरोप के लिए भी अधिकरण में योग्यता की अपेक्षा है, नहीं तो किसी भी चीज का आरोप कहीं भी करने लग जाए सब कुछ अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए योग्यताम आदायै व आरोप दर्शनात्, नहीं राजा मात्य राजत्व आरोपयति स्तंभादवपि तद आरोपस्यात्। राजा के मंत्री में राजत्व का आरोप करने से, यह तो है नहीं आप ठूंट पर भी सब पर भी आप जो है राजत्व का अध्यारोप करके व्यवहार करने लगो, ऐसा होता नहीं है। तथा चेतन एव इच्छित्रित्व दर्शनात् चेतने ब्रह्मणि तदारोप युज्यते नाचनीति न सिद्धांत क्षति। चेतन में ही इच्छित्र लोक व्यवहार में देखा गया है, इसे चेतन ब्रह्म में ही वह आरोप संभव है, अचेतन में नहीं, यह हमारा कहने का अभिप्राय था पूरे प्रकरण का। अतः हमारे सिद्धांत में कोई क्षति नहीं हो सकती है। तात्विक अर्थांतर तक प्रदर्शन कहीं भी हमने इसलिए किया ही नहीं है। दूसरी बात यह है, सुनो, किंच निषेध समर्पक वाक्यतय प्रामाण्य संभव है न वाक्य भेदेन गुण प्रापकता युक्ता। और दूसरी बात, निषेध समर्पक के रूप से ही हम उनको उन निषेध वाक्यों के साथ एक वाक्यता कर देंगे, उससे ही जब प्रामाण्यता उसमें घट सकती है, प्रामाण्य विरोध खत्म हो जाएगा। दो श्रुतियों का परस्पर विरोध बात हो, प्रामाणिकता खत्म होने लग जाए, तब ने विकल्प करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा है नहीं, वाक्य की वाक्यता कर लेंगे हम दोनों को। सगुण वाक्य जितने भी है निषेध वाक्य के द्वारा अपेक्षित निषेध्य पदार्थों को कथन कर रहा है, इसीलिए निषेध्य के समर्पक रूप से विद्यमान सगुण वाक्यों का निषेध वाक्यों के साथ एक की वाक्यता कर देने से उसकी दोनों की प्रामाण्यता स्थिर रहेगा। न वाक्य भेद गुण प्रापकता, से वाक्य भेद के द्वारा अन्वय करते हुए गुण प्रापकत्व का मानना, ब्रह्म में गुण प्राप्त कराना उचित नहीं है। अतएव इसलिए उस मीमांसा का श्लोक जो सुनाया तुमने उनके साथ भी हमारा कोई विरोध नहीं। अतएव न को ही मीमांस इत्यादि न विरोधो नहीं, न विरोधा, कोई मीमांसा इत्यादि के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। श्लोक आया था ना, उसने दिया था, को ही मीमांस को ब्रूयात विरोधे शास्त्रीय और मित एकम प्रामाण्य मित्रत्व अप्रामाणम भवेदिति। हम कहाँ कह रहे अप्रमाण है, कोई मीमांसक नहीं बोल सकता, कहते हम भी मीमांसक उत्तर मीमांसक हम भी नहीं बोल रहे कोई अप्रमाण है। एक को प्रमाण एक को अप्रमाण कहता तब आप श्लोक हमें सुना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे, दोनों की एक वाक्यता करके दोनों की प्रामाण्यता को स्थिर रखा हुआ है। अतः उस श्लोक के साथ भी हमारा कोई विरोध नहीं रहा। तब व्याकरण के अनुसार देव बोलता है, व्याकरण में दो सूत्र उठाया, एक नक्त्वा सेट, सेट मन इट सही चुकत्वा प्रत्यय है वह कितना हो कहता है, और वो है 1218 का, थोड़ा यहाँ भी नंबर गलत छपे हुए हैं, 1218 का है नक्त्वा सेट। और उससे पहले 1207 में सूत्र आया, मृड मृद गुध कुश क्लिश वद वसह त्वा इत्यादि निषेधों की निषेधकता मानी जाती है, आप उसके निषेध समर्पक रूप में उसको अन्वय करोगे क्या मृडादियों को? एक निषेध वाक्य है, दूसरा अनिषेध वाक्य है, उन अनिषेध वाक्यों के वे कहावाओं को आपने क्या कहा निषेध वाक्य के निषेधों के समर्पक बना लो, उन भावों को भाव पदार्थ है, वह यह अभाव कह रहा है, अभाव के लिए निषेध प्रत्यय की अपेक्षा होगी, प्रत्योग कौन है नक्त्वा सेठ बताया नहीं, प्रत्योग ले लो मृड आदि धातुओं को, ये निषेध के समर्पक हो जाए, ये अनिष्ठ है वहां। आप ये कहेंगे इन धातुओं को छोड़ के बाकी में सेठ पकट नहीं होता, प्रदास करते हैं आप, तो यहां भी कर लो इन सगुण वाक्यों को छोड़ करके बाकी जो भी हैं निषेध पदार्थ उनका अन्वय करो उत्तर प्रदास मानो,
नीति रीति में, जैसे वैयाकरण लोग मान रहे हैं। ननु मृड मृद इत्यादि यथा नक्त्वा सिटिति निषेध निषेधकत्व, निषेध का भी निषेधक हो जाता है वो, निषेध का समर्प निषेध समर्पक नहीं हुआ, निषेध का निषेध कर दिया। अपवादान अभिनिविश्य उत्सर्गान प्रवर्तते, अपवादों को पहले बोल करके फिर उत्सर्ग की कथा आरंभ होती है। अतः नक्त सेठ क्या वो उत्सर्ग माना जाएगा, उसके अपवाद के मैं निषेध का निषेधक माना वैयाकरणों ने, न कि इस निषेध वाक्य का निषेध समर्पक नहीं माना। इसे कहता है निषेध निषेधकत्वम यथा तद्वत् सगुण वाक्यानाम अपि निर्गुण वाक्य बाधकत्वम किन न सियात, सुगुण वाक्य के बल भी निर्गुण वाक्य का बाधक हो जावे। यदि चेन्न दृष्टान्त प्रदासाधिकरण न्यायेन मृड मृद इत्यादि उत्तर विहित अन्य सेटकत्वा प्रत्ययकित्व निषेध परत्वेन एक वाक्यतायां वाक्य भेद निषेध निषेधकत्व अकल्पनात्। असल वहां पर वो लोग निषेध का निषेधक रूप ने उसको नहीं माना, अपवाद सूत्र है नक्त्वा सेठ का, इसलिए पहले आ गया। अपवाद का मतलब आगे आने वाले उत्सर्ग को बाधना, यह अर्थ सामान्य तौर पर लिया जाता है, लेकिन यहाँ वो नहीं किया है उन्होंने कि निषेध का अपवाद नहीं होगा, भाव का अपवाद होता है, तो निषेध है ये, निषेध का निषेधक नहीं है, अतः निषेध के विरुद्ध विधि है ये, तो इसे विधि कर रहा है वो निषेध वाक्य है, निषेध का निषेध कहाँ हुआ। यदि पहले से प्राप्त हो तो पुनर्प्रसव भी बोल सकते थे, पुनर्विधान हो गया, वो भी नहीं है, उससे भी आगे सूत्र बल की है हार्दसठ वला दे इट विधान करने वाला, इट में ये पहले निषेध प्रकरण आके फिर विधि प्रकरण आया, अपवाद निषेध और विधि, और अन्य सर्व क्या करते पाणिनि, अपवाद विधि बाद में निषेध लेते हैं, इन्हें उल्टा किए हुए कुछ विशेष काम सोच के तो किए ना, इसलिए न तो निषेध का निषेध समर्पक है न निषेध का निषेध ही, दोनों ही नहीं है, इसे सिद्धांति कहता है। किंतु यह पुरदास न्याय का प्रयोग हुआ, जैसे पहले आपने देखा था न होतारम वृणीत इत्यादि में जैसे था वैसे यहाँ समझना, ये कह रहे हैं पुरदास अधिकरण न्याय के अनुसार मृड मृद इत्यादि उत्तर विहित अन्य सेठ त्वा प्रत्यय कित्व निषेध परत्वेन मृड मृदया इत्यादि उत्तर विहित जो से भिन्न सेठ जो क्वा प्रत्यय उसको कित्व निषेध करेगा, इनमें नहीं करेगा। इस तरह से एक वाक्यता या एक वाक्यता से सारे कार्य सिद्ध जब हो रहा है वाक्य भेद निषेध निषेध निषेधकत्व अकल्पनात्, वाक्य भेद के दोष को स्वीकार करते हुए निषेध का भी निषेधकत्व न स्वीकार नहीं किया है वैयाकरणों ने भी, न तो निषेध का निषेध समर्पक है वो, न निषेध के निषेध है वो, किंतु प्रदास प्रक्षिदा साक्षात अन्वय हो रहा है। लेकिन वैसे यहाँ भी करो बोलेगा पर नीति नीति प्रदास मान लो निषेध वाक्य को और सगुण वाक्यों के साथ जोड़ दो, कदे नहीं हो सकता। न च प्रकृति भी प्रदासार्थत्व, प्रकृति में प्रदासार्थत्व नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, नेति नीति दीपसाया प्रसक्त सर्व निषेधकतया विशेष परिशेष अयोग्येन प्रदासस्य आश्रितुम अशक्यत्वात्, कहीं प्रदास करने के लिए कुछ बचना चाहिए ना, इससे भिन्न इसके सदृश वो जो बचे हैं उनको ग्रहण करो, तद्भिन्न तत्सदृश को ग्रहण करने का नाम प्रदास होता है। जब सर्वनिषेध हो ही गया बचा क्या, कुछ विशेष बचेगा तब ना उसको ग्रहण करो, जब कुछ बचता ही नहीं नीति नीति कह करके विपसा के द्वारा, अतएव प्रदास संभव ही नहीं है, प्रदास संभव नहीं, क्योंकि नीति नीति यहाँ पर विपसा के माध्यम से प्रसक्त सर्व का निषेध होने जाने से विशेष परिशेष अयोग है ना, कुछ विशेष बचा ही नहीं है, इसलिए प्रदास से आश्रय तुम अशक्यत्वात्, प्रदास का आश्रयण करना ही संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने सूत्र में ही कहा अपितु वाक्य शेष सियात अन्यायत्वाद विकल्प से विधि नाम एक देश सियात, ये था प्रदास अधिकरण का सूत्र 264 कि वाक्य भेद आपद विकल्प का मानना न्याय संगत नहीं, ये उनका सूत्र का अर्थ विकल्प से अन्यायत्वात्, विकल्प जो है करना अन्याय है, इसलिए अपितु वाक्यशेष, इसलिए उसको वाक्यशेष का तात्पर्य
वाक्य की वाक्यता अन्वय कर देना, इस वाक्य को उस वाक्य का शेष कर दो, एक वाक्यता हो जाएगा उनका। ये उनने कहा विधि नाम एक देश सियात, उन विधि वाक्यों से उसको एक देश हो जाएगा। ये बरदास का तात्पर्य वहाँ पर किया गया, जिसमें दृष्टांत उनको वही था प्रकृति अधिकृत कर्तव्य इस अतिदेश विधि के द्वारा नारसिम वृणीते, इस वाक्य को एक देश वाक्य शेष मानना चाहिए। इन दोनों की एक वाक्यता से अर्थ क्या निकलेगा, आर्षे वर्ण से भिन्न प्रकृत्यंग जातम अनुष्ठेयम्। आर्षे वर्ण होता वर्ण आदि वर्णों से भिन्न जो प्रकृति का शेष अंग है, बचा है ना, कुछ कोई निषेध कर रहा है, बाकी तो बचे हुए हैं जो अंग प्रकृति में, उनको विकृति में अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसे विधि वाक्यों के साथ उस निषेध वाक्य का वाक्य वक्ता करके अन्वय किया जा सकता है। वैसे यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्कुल उल्टा क्रम है, मृड मृद में भी संभव था, क्योंकि त्वा सेठ सेठ त्वा प्रत्यांत इतनी धातु है, क्या सैकड़ों धातु है जो सेठ धातु है जिसे त्वा को प्रतिविशेठ हो रहा है, ऐसे सैकड़ों धातु है उनमें से इतने को तो गिना है पांच छह सूत्र में, वो है आपका 1, 2, 7 से 1, 2, 18 तक, उतने में ही तो है। उतने को छोड़ के अन्य जो शेष बच गया उनमें नग तो सेठ काम करेगा तो बोल सकता हूँ ना मैं, ये तो कहा जा सकता परिशेष बच रहा है, इसे वहाँ पर था संभव था। जहाँ कुछ परिशेष निषेधोत्तर काल में निषेध्य से भिन्न कुछ विशेष परिशेष रहेगा उसको ग्रहण करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, इन यहाँ वह संभव नहीं है कि सर्व निषेध वाचक वाक्य यहाँ केवल नेति नहीं बोला है, नेति नेति विपसा के माध्यम से सर्व निषेध कथन करने के कारण से विशेष परिशेष न होने पर यह प्रयास लागू नहीं हो सकता। कहते ठीक है, वो अब ऐसा विचित्र लेता है बात, लंबा चौड़ा पूर्वपक्ष करेगा। देखिए दृष्टांत लिया पहले एक, और उसको तीन दृष्टांत लेता है आपके मत को ही। यत्तु जगत कर्तृत्वेन आक्षिप्त सार्वज्यादेर निषेधाय अनुवादे, जगत कर्तृत्व के द्वारा आक्षिप्त है सर्वज्ञत्वादि, और उन सर्वज्ञत्वादि को कथन करने वाले वाक्यों को आपने निर्गुण वाक्यों के निषिद्ध समर्पकत्व अनुवाद मात्र मान लिया, और अनुवाद मात्र से अप्रमाणिक, निर्गुण वाक्य मात्र प्रमाणिक। इन्हों कहता है पहले आपने जगतकर्ता ईश्वर को मानना इक्षितरनाशब्द मिथ्या सूत्रों के द्वारा, उस चेतन में जगत कर्तृत्व स्वीकार करने से उससे आक्षिप्त क्या हुआ, सर्वज्ञत्व आक्षिप्त है, और सर्वज्ञ आक्षिप्त सर्वज्ञत्व का बोधक जो वाक्य थे उन वाक्यों को इसलिए आपको क्या कहना पड़ा, निषेध का समर्पक है। इसी तरह से घटाएगा अन्यों में भी, जगत कर्तृत्व न आक्षिप्त है सर्वज्ञादे है, उन सर्वज्ञता आदि को कथन करने वाले सुगुण वाक्यों को क्या आपने किया, निषेधाय, उस सर्वज्ञता वास्तव को निषेध करने के लिए सुगुण वाक्यों में अनुवाद किया गया, और जिसके बाद नीति नीति आदि निर्गुण वाक्यों से कर रहे हैं निषेध वाक्यों के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से तीन हो गया, अब दृष्टांत लेगा। श्रुतेन ज्ञान निवर्त्यत्वेन जगद आरोप अधिष्ठानत्वेन स एव इदं सर्वम् आत्मैव इदं सर्वमिति श्रुतेन जीव ब्रह्मणो सार्वात्म्येन चाक्षिप्तं विश्वमिथ्यात्वं ब्रह्मसत्त्वं जीव ब्रह्मैक्यञ्च विश्वं सत्यमित्यनेन असद्वैत्यनेन द्वासपूर्णेन च निषेद्धुं नेहनाना इत्यनेन सत्यं ज्ञानमित्यनेन तत्त्वमसि इत्यनेन च अनुद्यते इति स्यात् इति तन्न। तीन तीन जोड़ना आपने, श्रुतेन ज्ञान निवर्त्यत्वेन एक उसको जोड़ना आपने, उसे आक्षिप्त क्या होगा, विश्वमिथ्यात्म, उस विश्वमिथ्यात्म के विरुद्ध में कथन कर रहे वाक्य विश्व सत्यम, उसका निषेधक वाक्य हो जाएगा नेह नानास्ति किंचन इत्यनेन। चार है, एक निश्चायक वाक्य था उसके द्वारा आक्षिप्त कुछ हुआ, उस आक्षिप्त के विरुद्ध कथन कर लो कोई और हो गया, और उसके द्वारा उसका भी निषेधक दूसरा हो गया। श्रुत क्या है, जगन निवर्त्यत्व, किसमें, जगत में। ज्ञान निवर्त्यत्व श्रुत है, ज्ञान निवर्त्यत्व श्रुत कहाँ है, जगत में। जगत कैसा है, पूरा विद्या सहित
कारण सहित ज्ञान के तो निवर्तित्व है, अतएव विश्व मिथ्या तो आक्षेप हो गया। ज्ञान के द्वारा निवर्त होने से ये विश्व क्या है? मिथ्या है, ये आक्षेप लभ्य हो गया। यथा निदम रजतम या यम शुक्ति ज्ञान के निवर्त होने से रजत मिथ्या, तो ज्ञान निवर्त होने के नाते जगत मिथ्या सिद्ध हुआ, आक्षेप लभ्य हो गया। दूसरा जगत आरोप का अधिष्ठानत्वेन ब्रह्म सत्य ये ज्ञापित हो गया, आक्षिप्त हुआ। शुक्ति जैसा सत्य है आरोप का अधिष्ठान होने से जगत आरोप का अधिष्ठान होने से ब्रह्म सत्यम प्राप्त हुआ, वो भी आक्षेप लभ्य बोल रहा है, श्रुति लभ्य नहीं आक्षेप लभ्य हो गया है। तीसरा स एव इदम सर्वम आत्मदम सर्वमिति श्रुतेन जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का आक्षेप हो जाएगा। सर्वम आत्मा भी कह दिया, जीव ब्रह्म ऐक्य से आक्षेप लभ्य हम मान लेंगे। इन श्रुत वाक्यों के द्वारा हमें आक्षेप से ये तीन बात को उठाएंगे। तो उनके विरुद्ध में कौन कौन है हमारे पास? अभी विश्व मिथ्या के खिलाफ विश्वम सत्यम इत्यनेन, ब्रह्म सत्यम के खिलाफ असत्वा इदम ग्रासीत, सदैव के खिलाफ असत्वा, और जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के खिलाफ दास पूर्णा सुविजा सखाया इत्यनेन च निषेधम। जब इससे हम उसको निषेध करने लगेंगे विश्व मिथ्यात्व को विश्व सत्यम से, ब्रह्म सत्यत्व को असत्वाइदम कर से, और जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को दास पूर्णा से, तब आप क्या खड़ा करोगे? उनके खिलाफ ये वाक्य आएंगे नेह नानास्ति इत्यनेन, विश्वम सत्यम को आप बाधेंगे, तब विश्व मिथ्यात्व आक्षेप लभ्य स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार से सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, इसके द्वारा असत्वा को पा देंगे तब विश्व सत्य तो रह जाएगा आक्षेप लभ्य हो, और तत्वसी इसके द्वारा दास प्रणा को पा देंगे तब आगे जीव ब्रह्म के तो टिकेगा। इति स्याद इति तन्न, सिद्धांत कहता ऐसा नहीं हम करते हैं भाई जैसे तुम सोच रहे हो, हम ऐसे व्याख्या नहीं करते, इन वाक्यों के परस्पर ऐसा अन्वय नहीं किया जाता है। फिर क्या आप करते बताओ थोड़े? विश्वम सत्यम द्वास पूर्णा इत्यत्र च निषेध द्योतक पदाभाव, सबसे पहली बात विश्वम सत्यम में विश्व मिथ्यात्व का निषेध द्योतक कोई पद नहीं है। इसी प्रकार से जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के विरुद्ध में आपने कहा द्वास पूर्णा, ऐक्यत्व का निषेध करने वाला कोई शब्द वहां पर नहीं है। आप लक्षणा का अर्थ करना पड़ेगा, लक्षणा केवल तो अर्थ नहीं निकलेगा। विश्वम सत्यम, सत्यम की लक्षणा करो न मिथ्या, सत्यम का अर्थ है मिथ्यात्व भाव, यह आपको करना पड़ेगा। द्वास पूर्णा का अर्थ क्या करने का? द्वा का अर्थ ऐक्यत्व भाव, लक्षणा करनी पड़ेगी ना, लक्षणा के बिना तो कोई साक्षात पद तो है ही नहीं। ऐक्यत्व का निषेध करने वाला हो चाहे आपके सत्यत्व का निषेध करने वाला हो चाहे मिथ्यात्व का निषेध करने वाला, साक्षात शब्द कहाँ है? हाँ एक जगह है, ब्रह्म सत्यम के खिलाफ जो तुम वाक्य दे रहे हो असत, वहाँ है निषेध। लेकिन वहाँ भी हम व्यवस्था दे रहे, सुनो, एक तो यहाँ निषेध द्योतक पदाभावे न निषेधकत्व असंभवात, ये विश्व मिथ्यात्व का निषेधक बनेगा ही नहीं, विश्व सत्यम जीव ब्रह्म ऐक्यत्व निषेधक बनेगा ही नहीं, द्वास पूर्ण वाक्य, ताला जवाब हो गया। और दूसरी बात असत्वैत्यत्र तो नहीं सत्वेपि नाम पद संविहार तत्व न, वह नए तो हैं लेकिन वो सत के साथ उसका समास हो गया है, न असत ऐसा नहीं बोला अलग से, नामवाचक शब्द के साथ समास हो गया, न देवदत्या देवता पुत्र इत्यादि जैसे समास हो गया ना, न सत जैसे न सत न असत ऐसे मंत्र देते तुम तब तो बात अलग विचार करता, न अलग से है इन, या तो नामवाचक शब्द जो सत है उसके साथ समास हो चुका है, और नैतत्व समास जब हुआ उस समास में हमेशा नियम है उत्तर पद ही प्रधान होता है, तो नहीं अपने आप गौण हो गया। कहते वहां पर भी इतर नए सत्वे अपनी नाम पद संविहार तत्व निषेधकत्व असंभवात, वो निषेधक नहीं हो सकता, नए कर्त प्रदास व्यावहारिक सत्य भिन्न किंतु इसके सदृश सत्व लेंगे हम, इन पारमार्थ का निषेध नहीं होगा ना, पारमार्थ की सिद्धि असत से करना क्योंकि छह अर्थ है ना, नहीं कहा
ये अर्थ तो है नहीं, निषेध अर्थ में क्यों ले, प्रसज प्रसिद्ध क्यों ले रहे हो, परदास भी ले सकते हो, इससे बिनिश के सदृश विरोध भी ले सकते हो, सादृश अर्थ में भी ले सकते हो, नहीं गुआनी करते हैं, अल्प अर्थ में भी होता है, इसलिए कह रहे हैं कि वो निषेधकत्व असंभव अर्थ। उसको विस्तार संग करेंगे अभी और तथाई से विस्तार करेंगे, देखिए उससे पहले कुछ और बात करें। द्वासपूर्ण इत्यस्य पैंगिरस्य ब्राह्मणे बुद्धि जीव प्रत्यय, और सबसे बड़ी बात है जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का निषेध वाक्य बनेगा भी नहीं है द्वासपूर्ण, क्योंकि द्वासपूर्ण इत्यादि वाक्य में पैंगी रहस्य ब्राह्मण में स्पष्ट कर दिया वो जीव और ब्रह्म ही नहीं, वहां दो दो कौ जीव ब्रह्मण नहीं किंतु बुद्धि जीव, एक बुद्धि और जीव बोलिया उन्होंने, अति जीव और ब्रह्म तो है गांव, इसीलिए भी द्वासपूर्ण जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का विरोधी वाक्य नहीं बनेगा। व्याकृतत्व ऐसे उन्होंने व्याख्या की है, जीव ब्रह्म भेद अबोधकत्वात्, जीव ब्रह्म के भेद का वो अबोधक हो गया, जीव ब्रह्म भेद का बोधक न होने से फल तो निषेधत्व उत्पादन है दृष्टान्त दृष्टान्तिक और वैषम्या, इसे निषेधत्व को उत्पादन करने के लिए जो तुमने दृष्टांत दी थी और तीन जो दृष्टांत बनाया ये सब परस्पर संभव ही नहीं है, वैषम्यात विषम है। ये तो श्लोक वार्तिक दिया, द्वौ नयौ समाख्यातौ पुरदास प्रसज्जकौ परदास सदृशग्राही प्रसज्जस्तु निषेधकृत परदास विज्ञेयो यत्रोत्र पदेन नहि प्रसज्ज प्रतिषेधस्तु क्रियासह यत्र नहि। द्वौ नयौ समाख्यातौ, प्रसिद्ध दो प्रकार का नियम, इसे छह अर्थ है लेकिन नय का दो मुख्य अर्थ माना गया, एक का नाम प्रसज्ज परदास है, दूसरा है प्रसज्ज। परदास कौन होता है, जो निषेध पदार्थ वहां लिया जा रहा है उसके सदृश का ग्राही हो जाता है, नय का जो प्रतियोगी है प्रतियोगी के सदृश ग्राही हो जाता है परदास हमेशा, और प्रसज्जस्तु प्रतियोगी का निषेध ही कर देता है निषेधकृत। ये कैसे पहचानेंगे हम, यहां नहीं परदास है यहां नहीं प्रसज्ज प्रसिद में है, कैसे पहचानेंगे, तरीका बता दिया, परदास वहां मानो स प्रदासित विज्ञेयो यत्र उत्तर पद है न नहीं, जहां उत्तर पद के साथ नए का अन्वय होता है, प्रसज्ज प्रसिदस्तु प्रसज्ज प्रसिद्ध वहां मानी जाएगी जब क्रिया के साथ अन्वय होगा, क्रिया सा यत्र नहीं, अच्छा जो उत्तर पद के साथ समास हो गया सत करके तो परदास माननी पड़ेगी, निषेध का होगा फिर सत का। उदाहरण यहाँ नहीं दिया लेकिन समझना, वहां पर प्रसिद्ध है ना अनश्व कहने से क्या होगा, आशु से भिन्न आशु से पशु अंतर गौ, ग्राम्य पशु परदास लेते हैं, और व्याकरण में देख लो अनचिच्च सूत्र है व्याकरण में परदास के लिए, अच से भिन्न अच के सदृश, यदि आप लेंगे अर्थ होगा हल्के परत में सूत्र लगेगा, हल्के परत में ही सूत्र लगेगा तो अवसान में नहीं लग पाएगा, आपत्ति दिया, इसे हमें क्या करना, अवसान में भी द्वित करना इष्ट है, इसे राम विसर्ग है विसर्ग में द्वित करना इष्ट है हमको, कि विसर्ग शर्म में आया शर्वण से यर हो गया यर को द्वित करना है, इसे उसको करने के लिए वहां के नहीं यहां परदास मत मारो निषेध मानो कि अच्छ नहीं होना चाहिए, बस हल हो या ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, निषेध परत माना, और परदास भी मानते स्थलों में, इसे यहां पर कहते दोनों लोक में देखा गया, व्याकरण में भी देखा गया, जैसे समास ना हो ना हो तो ना हो, यानी कि ये समास ना हो तो इसे तो कोई दूसरे समास कर डालो, ये अर्थ नहीं है, ना हो मैंने नहीं इट ना हो, निषेध करते हैं कई सूत्र इट ना तो ना हो, यानी इट से भी इट के सदृश कोई और चीज कर दो, अट कर दो ईट कर दो कुछ और आगम कर डालो, ये अर्थ नहीं होता, वहां सीधा निषेध परक है, इसे कई निषेध परक देखा है, कई परदास व्याकरण में भी है मीमांसा में भी है लोक में भी है सर्वत्र प्रयुक्त है। अब वहीं पर आपको आ चुका था परदास प्रसिद्ध मीमांसा का, आर्ष में परदास मान लिया था और न करोती वहां प्रसिद्ध मान लिया था,
उसे भी भाष्यकार ने दो अर्थ लिए ना, एक विकल्प मान लिया था भट्ट ने और उन्हें प्रजा से व्यवस्था दे दी थी। ये दृष्टांत सब जगह मिलते हैं इस तरह के। अच्छा वेदांत में भी इसको लो प्रजा से प्रसिद्ध प्रसिद्ध उत्तर परीक्षा समास हो रखा है यहाँ पर, इसे प्रजा से ना पड़ेगा यहाँ। अच्छा निषेध पर वाक्य ही नहीं है ये, कैसे विषय में थोड़ा समझाइए तथा से समझा रहे। देखिए पहला उसको जो उसने कहा था जगत कर्तृत्व द्वारा आक्षिप्त था सार्वज्ञत्व, उसको कथन करने वाले हैं सगुण वाक्य, उसका निषेध वाक्य हो गया निर्गुण वाक्य, चार हिस्सा हो गया ना, एक चीज पर श्रुत हो गया उससे आक्षिप्त, उस आक्षिप्त का विरोधी कथन एक और कर रहा उसका निषेध दूसरा करेगा। इन सब में ऐसे ही लिया असले उसने श्रुतता जगन जो है ज्ञान निवर्तित्व, उसे विश्व मिथ्यात्व, विश्व सत्य करने वाला वाक्य नेहना नास्ति किंचन अगला वाक्य आ गया। एक श्रुत आक्षिप्त, फिर आक्षिप्त के विरुद्ध में एक वाक्य, उस वाक्य का निषेध करने वाला एक और वाक्य, चार चीजें थी। वो कह रहे हैं सिद्धांति पहला वाला तुमने जो लिया वहां भले ठीक है, लेकिन अन्य रूप जो बाकी सब भी गड़बड़ है। वही सार्वज्ञ से निषेध प्रतियोगितया मिथ्याभूतत्व न आक्षेप अनुपपत्ति ही, कहते सार्वज्ञ में क्या है निषेध का प्रतियोगी मानने पर मिथ्याभूतत्व अपनी मिथ्याभूत होने के बावजूद भी आक्षेप की अनुपत्ति नहीं है, मिथ्या वस्तुओं का भी आक्षेप के द्वारा लाभ कर सकते हैं, इसे आक्षेपत्व अनुपन्न नहीं हो रहा निषेध भूता सर्वज्ञत्व। आपने कहा जगत कर्तृत्व को लेकर के सर्वेत्म आक्षेप कर लूंगा, वह आक्षेप का अनुपत्ति नहीं होती उसके निषेध करने के बावजूद भी, इन अन्यों में ऐसा नहीं है। आक्षिप्त विश्व मिथ्यात्व ब्रह्मसत्व जीव ब्रह्म इत्या नाम निषेधे तु ज्ञान निवर्त्यत्वादी नाम त्रयाणाम आक्षेप का नाम असंभव स्यात्, उल्टा हो जाएगा वहां मामला, तो आक्षेपक आक्षेपकों के स्वरूप ही खत्म हो जाएगी, आक्षेपक ही नहीं रह जाएंगे वो यदि निषेध कर दिया आपने। आक्षिप्त विश्व मिथ्यात्व ब्रह्मसत्व और जीव ब्रह्म इत्यादि तीनों आक्षिप्त किया था आपने, क्रमेण ज्ञान निवर्तित्व जगदार आरोप अधिष्ठानत्व और सैवेदम सर्वमात्मेदम इत्यादि के द्वारा आक्षेप लभ्य तीन तक्रम से, उन तीनों के लिए इन वाक्य वाक्या नाम निषेधेतु उनका निषेध किया आपने ज्ञान निवर्तित्व आदि नाम एव विश्व सत्यत्व के द्वारा विश्व मिथ्यात्व निषेध कर दोगे आप, द्वास वर्ण के द्वारा ऐकी को असत के द्वारा सत को यदि निषेध कर दोगे तो ज्ञान निवर्तित्व आदि त्रयों में जो आक्षेपकत्व था वो आक्षेपत्व ही खत्म हो गया, क्यों उसके आक्षिप्त को आपने भंग कर दिया, तो आक्षिप्त रहा ही नहीं वही खत्म हो गया, आक्षेपकत्व कहाँ रह गया, उसमें मूल कहीं नाशक कर दिया आपने, मूल नाशक मूल क्षय करी को हम कल्पना कभी नहीं कर सकते, ऐसी कल्पना करना किसी भी शास्त्र स्वीकृत नहीं जो जिसका मूल ही खत्म हो जाए। इसीलिए ज्ञान निवृत्ति त्रयाणाम आक्षेप का नाम असंभव स्यात् सत्य से ज्ञानाद अनिवृत्ते है, असत्य से अधिष्ठानत्व योगात, कि सत्य का ज्ञान से निवृत्त नहीं होता और असत्य का भी अधिष्ठान नहीं हो सकता, असत्य के अधिष्ठान होता है। इसी प्रकार से भेदे सार्वात्म्य योगात च, और भेद यदि स्वीकार कर लिया आपने दास प्रणा से सार्वात्मिक के साथ मूल का खंडन हो जाएगा तुम्हारा, ये बात जो करें मूल खत्म की दिखा रहे हैं। जैसे यदि आपने विश्व सत्यत्व मान लिया विश्व सत्यत्व से ज्ञान आदि निवृत्त, फिर ज्ञान निवर्तित्व भंग हो गया ना, ज्ञान निवर्तित्व के आधार पर आपने विश्व मिथ्यात्व आक्षेप कर ली थी, उस आक्षिप्त वस्तु के विरुद्ध में विश्व सत्यम को लाए, यदि विश्व सत्य है फिर वो कभी ज्ञान निवर्त नहीं होगा। अजय मूल आपका जो ज्ञान निवर्तित जो सबका आक्षेप का कारण बन रहा था व्यवस्था दे रहे थे वही भंग हो गया। इसी प्रकार से असत वेद मग्र आसित, असत कभी अधिष्ठान ही नहीं हो सकता, और ब्रह्म को सत्य क्यों माना था आपने कहा था जगत आरोप अधिष्ठानत्व है ना, आरोप का अधिष्ठानत्व ही आक्षेप के प्रति मूल बीज था, वही खत्म हो जाएगा यदि असत से लोगे, क्योंकि असत कभी अधिष्ठान ही नहीं हो सकता। और द्वास वर्णा के लिए आपने कहा था अभेद को भंग कर दूंगा, ये भी नहीं हो सकता कि भेदे सार्वात्म योगात, यदि भेद सत्य हो गया द्वास वर्णा से फिर तो सार्वात्म का संभव ही नहीं रह गया, वो मूल ही नष्ट हो गया जिससे आपने आक्षेप कर रहे थे। ऐक्य को
एतेना अद्वैत श्रुते है निर्गुण श्रुत्यंतर से वा तात्पर्य परिज्ञान प्राप्त निर्गुणत्वम एव सुगुण वाक्य निषेधम निर्गुण वाक्य अनुद्यते इति निरस्तम। इसे वो उल्टा करने को बोल रहा है, वो उठा रहा है अभी दूसरी युक्ति निकाला कि अद्वैत श्रुति अथवा निर्गुणार्थक जो श्रुत्यंतर के तात्पर्य ग्रह के द्वारा निश्चित जो निर्गुणत्व है उसी का सगुण वाक्य से निषेध कर दो। सगुण वाक्य के द्वारा गृहित सगुणों को निर्गुण वाक्य से निषेध करना चाह रहे हो तो उल्टा करो, निर्गुण वाक्यों के द्वारा कहा हुआ जो निश्चित निर्गुणत्व है उसको बात कर दो सगुण वाक्यों से। ये क्यों नहीं कर सकते आप? हम निर्गुण ही प्रबल सगुण को दुर्बल, हम उल्टा करते निर्गुण दुर्बल कर दो सगुण को प्रबल कर दो वाक्यों को निषेधम। इसीलिए सगुण वाक्यों के द्वारा निषेध जो पदार्थ था उसको निर्गुण वाक्य के द्वारा अनुवाद किया गया है। आप क्या कर रहे थे? निर्गुण वाक्य के लिए अपेक्षित निषेध का अनुवाद किया सगुण वाक्यों में, और वो कहते नहीं सगुण वाक्यों के खिलाफ जो निर्गुणत्व है उसके द्वारा अपेक्षित निर्गुण वस्तुओं का बोध करा रहा है निर्गुण वाक्य। विपरीत क्रम से चलो। इत्यपि निरस्ताम, क्यों? तात्पर्य प्रज्ञान प्राप्तत्वे निषेधार्थम अनुवाद अयोगात। तात्पर्य प्रज्ञान से प्राप्त वस्तु के विषय में निषेधार्थता का अनुवाद करना बिल्कुल उचित नहीं होता है, क्योंकि अन्य लभ्य ही शब्दार्थ सगुणता तो लभ्य अन्य प्रमाणों से, अतएव प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध सगुणता को अनुवादक न मान करके विधायक मानना और निर्गुण जो अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं उसको अनुवाद मानना बिल्कुल अनुचित होगा। ये इनका कहना है। अर्थात साक्षी चेता केवल निर्गुण इत्यादि निर्गुण वाक्य के द्वारा अनुवाद क्यों ना मान लिया जाए ये आप शंका नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सिद्धांत यह है कि सकल विशेष निराश करने वाला वाक्य है निर्गुण वाक्य। उन वाक्यों का द्वारा जब निश्चय हो गया ये अनन्य लभ्य पदार्थ का बोधन करा रहा है इसका तात्पर्य का प्रज्ञान प्राप्त होने पर निषेधार्थम निषेध के लिए उनको अनुवाद मान लेना अयोगात नहीं हो सकता। अब उसी वाक्य पर उठाएगा साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च पर ही विचार आरंभ करते।